नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, आज बात करने वाला हूं मैं एक ऐसे स्टॉक की, एक ऐसे एफएमसीजी लीडर की, जायंट की, जिसके ऊपर मैं बहुत समय से लगातार वीडियो बना रहा हूं। और जब ये स्टॉक गिरावट की तौर पे था, मैं हर थोड़े थोड़े अंतराल पे इस पे वीडियो बनाता था और हमेशा एक ही बात कहता था, बाय ऑन डिप्स, एसआईपी मोड में ले, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ना करें, एसआईपी मोड में ले, धीरे धीरे खरीदारी करें, हर हफ्ते एक स्टॉक लें। क्योंकि ये ऐसे वैल्यूएशंस में मेरा दोस्तों ऐसे वैल्यूएशंस में चल रहा था कि जहां से आप कह सकते हैं डाउनसाइड और जो मैं हमेशा कहता हूं रिस्क रिवॉर्ड, ये इसके फेवर में हुआ करता था, ठीक है। और स्टॉक ने एक बड़ी गिरावट दिखाई और 52 वीक लो 1900 रुपए का लगाया। और उस दिन मैंने कहा था 1900 ये ऐसा लेवल था दोस्तों जो 5 साल में एक बार आया था, 200 ईएमए के आसपास, शायद ये कुछ ऐसा कह सकते हैं 200 ईएमए के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। 5 साल में ऐसा पहली बार था जब एचयूएल वहां आया था। और जो निवेशक वहां निवेश किए होंगे, पर्सनली मैंने भी किया था डायरेक्टली अपने फैमिली मेंबर के थ्रू, तो क्योंकि मुझे पता दोस्तों ये स्टॉक ऐसे है कि इन वैल्यूएशंस में मिल रहे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इससे अच्छे मौके नहीं मिल सकते। स्टॉक में आपने वहां खरीदारी की, स्टॉक वहां से भागा और लगभग जबरदस्त चल रहा है। और अब निवेशकों के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि इतना ट्रिगर हो गया ये स्टॉक कि अप मूव चला रहा है। दूसरा, क्या आने वाले समय में ये जो तेजी है ये जारी रहेगी या नहीं। और सबसे बड़ी चीज, एचयूएल में आने वाले समय में कौन से रेजिस्टेंस है और क्या है वो चीज जो स्टॉक में अचानक से इतनी पॉजिटिविटी भर रही है। सिर्फ एचयूएल में नहीं, थोड़े आप एफएमसीजी को देखेंगे तो अब थोड़ा हुआ आपको वो उठता हुआ दिखाई देगा। इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव ये वीडियो होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। और अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं पिछले, अगर आज दिन भर में देखेंगे 2.89% ऑलमोस्ट 3% की तेजी दोस्तों, बहुत शानदार तेजी रही आज ये। और पिछले 5 दिनों में अगर मैं आपको दिखाऊं, पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने किस तरह की रैली दिखाई है, पिछले 5 दिनों में अगर निचले स्तरों में अगर आप देखेंगे, स्टॉक ने ऑलमोस्ट 5% का रिटर्न दिया है। और आप अगर इसके निचले स्तर, पिछले 6 महीने में इसने जो लो लगाया था, आप देखिए 1900 के आसपास का इधर का, तो आप वहां से देखेंगे ना, तो ये स्टॉक 32%, जी हाँ दोस्तों, 32% से भी ज्यादा की रिटर्न दे चुका है। और ये ब्लू चिप स्टॉक है। और देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपने एसआईपी मोड में किया होगा तो आपका एवरेज भी, मैं कहता हूं आधा भी होगा, 32 की जगह आपने केवल 16% की आपने रिटर्न कमाई होगी, ठीक है। क्या ये खराब रिटर्न थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, वो समय जब रहता है दोस्तों, अभी की बोलना बहुत आसान रहता है कि खरीदारी की या नहीं की, जो सिर्फ आप कह लीजिए कंपनी में जो एक्चुअली निवेशक, जो कह लीजिए लॉन्ग टर्म के निवेशक रहे हैं, जो मार्केट को समझते हैं, वो उन स्तरों पे बिल्कुल नहीं चुकते। जब ये स्टॉक, देखिए बॉटम तो ना आपको पता है ना मुझे पता है और ना किसी को पता है, ये मैं जानता हूं। लेकिन हाँ, बॉटम के आसपास 50, 100, 200 रुपए के आसपास ऊपर नीचे होना ये आम बात है दोस्तों। लॉन्ग टर्म निवेशक बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं ऐसे स्टॉक्स का। और आप समझिए, ये वो स्टॉक था जो ऊपरी स्तरों से, अगर मैं आपको पिछले 1 साल में दिखाऊं, ये स्टॉक ने हाई बनाया था 2800 का, ठीक है। 2800 से ये स्टॉक गिरते गिरते, आप मुझे बताइए, एक समय में जिसने बड़ी गिरावट दिखाई थी 30% ज्यादा गिर चुका था। तो एक लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक, वो भी एफएमजी सेक्टर का, जो डिफेंसिव स्टॉक कहा जाता है, डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है, अगर ऊपरी स्तरों से आपको 30 रुपए के डिस्काउंट मिल रहे, 30% के, क्या आपको नहीं खरीदना चाहिए? बिल्कुल आपको उसमें बाय करना चाहिए। देखिए, ज्यादा ज्यादा ये क्या होता है, ये स्टॉक कंसोलिडेट करता दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूं अगर स्टॉक भागेंगे नहीं तो कंसोलिडेट करेंगे, ठीक है। वो निवेशक जो समझते हैं चीजों को, लॉन्ग टर्म स्टोरी जानते हैं, जिन्हें पता है कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, वो बिल्कुल बिंदास ऐसे स्टॉक में निवेश करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और आपने निवेश किया और भागने लगा स्टॉक, रीजन क्या है, ऐसा क्या हो गया है कि सिर्फ ऑपरेटर की चाल है? देखिए, पहले समझते हैं फंडामेंटल क्या चेंज हुआ है। आप देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हिंदुस्तान एचयूएल और एफएमसीजी क्या था दोस्तों, रूरल इंडिया, ठीक है, रूरल डिमांड में कमी आना। लेकिन अब क्या हुआ है, आप देख रहे हो मॉनसून जो है ना दोस्तों, मॉनसून में बहुत अच्छा रखा है, पूरे भारत में फैल रहा है, नॉर्थ में भी अच्छे से फैल रहा है
और जो डिफिशियंसी थी वो कम हो रही है, और मानसून एक हेल्दी मानसून आपको पूरे भारत में देखने मिल रहा है। और ये कह लीजिए खेती के लिए, भारत के लिए, भारत के रूरल डिमांड के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, ठीक है। और अब देखिए ऑलरेडी उन्होंने इतने वर्स्ट कंडीशंस देख लिए हैं कि अब कोई भी छोटी मोटी भी पॉजिटिविटी ना ऐसे पूरे सेक्टर के लिए और पूरे बाजार के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। रूरल इंडिया में डिमांड आना, क्योंकि समझिए आप पूरे जो FMCG सेक्टर का 33 से 35% के बीच का जो कंजम्पशन है वो रूरल इंडिया से आता है, ठीक है। और कोई भी पॉजिटिव न्यूज आना रूरल डिमांड में ठीक होना, वो HUL खास करके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि HUL की जो जो प्रेजेंस है ना वो रूरल इंडिया में बहुत शानदार है। जितनी इनकी ब्रांड पावर अच्छी है, आप देखिए जितनी इसकी ब्रांड पावर है उसका इसने बहुत इस्तेमाल किया। इन्होंने अपने मार्जिन मेंटेन करने के लिए लगातार प्राइस हाइक किया, और मैं हमेशा कह रहा था बाय दिस स्टॉक, क्योंकि प्राइस हाइक तो कर दिया गया है, नीचे कब आया जाएगा जब वॉल्यूम से आने वाले 2-3 क्वार्टर में कमी दिखाई देगी, ठीक है। ऐसा होता है जो कि मुझे अब नहीं लगता, क्योंकि देखिए रूरल डिमांड अगर बढ़ती है दोस्तों तो ये बहुत पॉजिटिव है, उसमें वॉल्यूम से भी बड़ी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, पहला। और दूसरा है क्रूड ऑयल, आप देख रहे होंगे क्रूड ऑयल काफी राहत दे रहा है। ब्रेंट क्रूड आप देख लीजिए वो गिरावट की ओर है, ठीक है, वो गिरावट की ओर है, और यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था ये तमाम चीजें अब छटती हुई दिखाई दे रही है, जिस कारण इन्फ्लेशन के नीचे आने की बातें हो रही हैं। और ये इंडिया के लिए ऐसी कंपनीज HUL जैसी कंपनीज के लिए ये बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज थी, और ये बात सभी निवेशकों को पता थी। तो और तीसरा था दोस्तों वैल्यूएशंस, ठीक है, वैल्यूएशंस। ये तीन दोस्तों इतनी डेडली कॉम्बिनेशन बनती हैं कि एक बड़ी तेजी इसमें होनी थी, और देखिए ऑलमोस्ट जिसने लो लगाया था वहां से ये 32% से भी ज्यादा चल चुका है दोस्तों, क्योंकि इसका 52 वीक लो अगर आप देखेंगे तो वो 1902 है दोस्तों, ठीक है, और हमने यहाँ 1943 से देखा था, तो यानी ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम 33% के आसपास ये ऑलमोस्ट रिटर्न दे चुका है, ठीक है। तो वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा कमाते हैं, कमाना चाहते हैं, उनके लिए HUL शॉर्ट टर्म में इतनी अच्छी रिटर्न दे चुका है, और वो निवेशक आप जैसे लार्ज कैप में अगर इतना अच्छा रिटर्न कमाते हैं तो उन्हें और क्या चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं डिफेंसिव स्टॉक में निवेश कीजिए, अगर डिफेंसिव स्टॉक के जो जाइंट है जैसे आप कह लीजिए HUL हो गए, हीरो मोटोकॉर्प हो गए, मैं हीरो मोटोकॉर्प डिफेंसिव नहीं कहता दोस्तों, लीडरशिप स्टॉक माफ कीजिएगा, वो स्टॉक जो अपने सेक्टर के लीडर हैं, जब पूरे सेक्टर में गिरावट हो चुपचाप लीडर को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने रहिए, आपको लॉन्ग टर्म में वो बहुत बहुत शानदार रिटर्न देंगे, ठीक है। और HUL भी दोस्तों ऐसे ही चल चुका है, आप समझिए निचले से मोर देन 30% का रिटर्न ये स्टॉक आपको दे चुका है। अब क्या होगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले एक पॉजिटिव चीज इसने जो आज दिखाई है, आपको बता दूं इसने आज अपना जो रेजिस्टेंस है 2500 का, 2500 से लेकर के 2550 को के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट आपको पता है 2600 इसके पास टारगेट होगा, अगर ये 2600 को दोस्तों वॉल्यूम के साथ तोड़ देता है और एक दिन सस्टेन कर जाता है तो स्टॉक को मुझे लगता है 2700-2800 के बीच जाने से कोई नहीं रोक सकता, और 2800 इसका एक बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है। तो मैं फिर कहूंगा लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आप कह लीजिए स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ थोड़ा भाग चुका है तो डाउन सेट का रिस्क अभी रहेगा, लेकिन स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे आज भी बहुत पसंद है। लॉन्ग टर्म की यदि आप निवेशक हैं आप इसलिए इस पर निवेश की सोच सकते हो। देखिए ये ना कह लीजिए जायंट स्टॉक है, और जब कोई चीजें हटती हैं, अगर जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, मैंने कहा है जो सेक्टर की बड़ी कंपनीज रहती हैं वो जो छोटे प्लेयर्स होते हैं, जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर होते हैं, उनको वो कह लीजिए अपने अधिकृत करती हैं और इनऑर्गेनिक वे में बहुत तेजी से आगे बढ़ के अपना मार्केट शेयर और बढ़ाती हैं, और HUL ने ऐसा करके दिखाया पिछले एक साल में दोस्तों। तो मैं यही कहूंगा कि घबराने की बात नहीं है, स्टॉक बहुत अच्छा है दोस्तों, लेकिन देखिए ये मेरा प्रोस्पेक्टस है और डिस्क्लोजर रूप में मैंने आपको बता दिया है कि मेरे मेरी फैमिली में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो यदि आपको लगे मैं बायस हूं देन इट्स ओके, और अगर नहीं तो एटलीस्ट अपने वॉच लिस्ट में रखिए, और कोई भी खरीदारी करने से पहले दोस्तों अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लीजिए कि भाई क्या ये लेवल्स मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मेरे पोर्टफोलियो के लिए फिट रहेंगे या नहीं। तो यदि आपको ये मेरी पूरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहां तक जुड़े रहे मुझे वक्त दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों, जय हिंद।